चलो कोई बात ही नहीं, आएगी तो आ जाएगी। अपन तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो अब क्या है, अब आर्टिकल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, डिटरमिनर्स में भी जो आर्टिकल थे वो भी अपन ने कर लिए, ठीक है ना। अब क्या है, अब अपन करेंगे यूज ऑफ सम, वेयर सम इज यूज इन अ सेंटेंस, ठीक है। सम मींस एन अननोन एंड इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी। बेसिकली व्हाट इज सम, व्हेनेवर वी हैव अननोन क्वांटिटी और इनडेफिनेट क्वांटिटी, वी यूज सम इन दैट केस। लाइक आई नो आई हैव 10 पेन्स, तो आई विल नॉट यूज सम इन अ सेंटेंस विथ 10 पेन्स। आई विल यूज आई हैव सम विद, आई डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ पेन विच आई हैव, है ना, विच आई ओन। तो आई विल यूज इफ समबडी आस्क मी हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, I'll say when I don't know about the exact quantity, I'll say I have some pen in my drawer. समझ में आ रही है बात मेरी? सबको आ रही है ना? ठीक है। It is used in affirmative sentence. Affirmative sentence होता है ना, positive. जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, मान लो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब नॉट इज नॉट, नॉट जो है ना सेंटेंस में वो काम में नहीं आया, सेंटेंस है हमारा देयर इज सम सम मिल्क इन द पॉट। अब इसको समझो चीज को कि क्या है, पॉट में मिल्क तो है लेकिन क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज अननोन, वी डू नॉट नो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम, ठीक है। अब दूसरा है, सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, मतलब दिस इज प्लूरल, बॉयज आर प्लूरल, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज विच आर प्लेइंग आउटसाइड, सो वी आर यूजिंग सम। हाँ भाई नीलेश बोलो, नीलेश कम कैसे होती है, मतलब धीरे आ रही आवाज है, कट कट। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ। ये चीज समझ में आई जो मैं समझा रहा था अभी? क्यों, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा मैंने सम का यूज बताया, मैंने सम का यूज बताया कि सम कहाँ काम में आता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो व्हेन क्वांटिटी इज अननोन
या अनकाउंटेबल नाउन की बात चल रही है तो हम सम का काम यूज में लेंगे, क्योंकि जब क्वांटिटी नोन होगी तो हम एग्जैक्ट क्वांटिटी बात मतलब बता देंगे, लेकिन अगर हमें क्वांटिटी नहीं पता है तो हम उसकी जगह पे हम सम यूज में लेंगे। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ अच्छा भाई, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दो। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसको हमें इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, ये तो आपका एक अफर्मेटिव हो गया, लेकिन कभी कभार हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, भाई मैंने बताया सम कहाँ पे काम आता है, सबसे पहले तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है, दूसरा कहाँ पे आएगा, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से तब हम उसको सम का यूज में लेंगे। जैसे विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि तुम पैसा उधार दे सकते हो क्या, तो क्या किया कि सम कि कुछ पैसा प्लीज उधार दे दो, ठीक है, तो विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी यहां पे आ गया। फिर अगर मुझे कमांड देनी है किसी को, ठीक है ना, तो मैं सम का यूज में दूंगा, व्हाई डोंट यू गिव मी सम फ्रूट या फ्रूट सम ऑरेंजेस, तो यहाँ पे भी कमांड दिया है ना सेंटेंस में, तो सम काम में आया है। फिर अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं, मतलब हम ऐसा क्वेश्चन पूछें जो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए, मान लो तुम अपने फ्रेंड को बोलते हो कि यार खेलने क्यों नहीं आता, खेलने आएगा क्या हमारे साथ, तो ये क्या है, इनवाइट किया ना तुमने, तो ऐसे ही है कि अगर बोले कि कभी खेलने तो आ मेरे साथ, तो विल यू प्लीज विजिट अस समडे, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो किसी को, तो आप सम यूज में लोगे, क्लियर है, हाँ भावेश बोलो, नहीं क्वेश्चन थोड़ा ना, ये तो तुम उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो ना, तो उसको तो आप बता रहे हो ना, कुछ चीज बता रहे हो उसको, तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तो ये ना आप कुछ पूछते हो, टेल मी समथिंग, तो तुमने पूछा ना टेल मी समथिंग, जब तुम पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में आएगा, और अगर तुम वैसे कुछ बता रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन में आएगा। Use of any, अब any कहाँ पे आता है काम में, any भी क्या होता है कि indefinite articles होता, indefinite quantity होती है ना, या uncountable noun होता है, तब any आता है, ठीक है, he did not do any work, उसने कोई भी work नहीं किया है, तो मतलब जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो हम या तो सम लगाएंगे या फिर एनी लगाएंगे, ठीक है, पर मैं डिफरेंस बताऊंगा
सम और एनी का, भाई जब आप बोल रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोनों चीज लग सकती है, तो कब तो एनी लगेगा और कब सम लगेगा ये मैं बताऊंगा, पर उससे पहले ना अपन एनी के यूजेस देख लेते हैं। फिर एनी कहाँ आता है कि कुछ वर्ड्स हैं, हार्डली, स्केयरली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, फेल, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। इन सेंटेंसेस के बाद में एनी आता है। और दूसरा, एनी इज यूज इन द सेंस ऑफ वन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल। टेक एनी बुक यू लाइक, मतलब बहुत सारे प्लूरल चीजें हैं। अब थिंग भी हो सकती है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है ना, मतलब पीपल भी हो सकते हैं, सॉरी। उनमें से हमें कोई एक चूज करनी है या एक पर्सन को चूज करना है, तो मैं एनी लगाऊंगा। जैसे अगर तुम इतने सारे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, है ना, उनमें से मुझे एक चूज करना है, तो मैं एनी लगाऊंगा। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, आई तो बहुत बढ़िया। अब देखो डिफरेंस क्या है एनी और सम का। सम जो है ना वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ज्यादा काम में आता है, ठीक है। और एनी जो है ना वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ ज्यादा काम में आता है। समझ में आई बात? ठीक है ना, ये मेन डिफरेंस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है वो काम में आएगा सम, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव है तो आएगा एनी। फिर आपका यूज ऑफ मेनी और मच। मेनी और मच काम में कहाँ आएंगे ये देखो। मैनी जो होगा ना, कुछ चीजें अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल अनकाउंटेबल चीजें हैं, उसके लिए तो मैनी आएगा, ठीक है ना। और नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत हो गया। मैनी जो है ना काउंटेबल नाउन के साथ काम में आएगा मैनी तो, और जो मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। याद रखना, मैनी आएगा काउंटेबल नाउन के साथ और मच जो आएगा वो अनकाउंटेबल। अब देखो मैं बात करूं, बुक्स की बात कर रहा हूं, तो यू कैन काउंट बुक्स। जैसे हरी हैज मैनी स्टोरी बुक्स, तो स्टोरी बुक्स बहुत सारी हैं उसके पास, तो तुम काम में ले सक काउंट कर सकते हो ना बुक्स को, तो काउंटेबल हो गई है, तो इसलिए ये काउंट मैनी लग गया। लेकिन जैसे ही हैज नॉट मच गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को क्या है ना काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम मच लगा देते हैं। जैसे हेयर्स की बात करूंगा, तो हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन हो गया, हम काउंट थोड़ा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है,
फिर है लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। अ लिटिल एंड द लिटिल कब काम में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ काम में आएंगे ये तीनों चीजें। व्हेन एवर द नाउन इज अनकाउंटेबल वी विल यूज लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। बट डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड अ लिटिल इज लिटिल जो है वो मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो नेगेटिव मीनिंग देता है और अ लिटिल जो है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि देखो एक हायरार्की होती है। भाई लिटिल मैं बात कर रहा हूं, आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग, मेरे पास बहुत कम है, मतलब काउंट अनकाउंटेबल नाउन हो गई कि मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना कम टाइम है मेरे पास। जनरली तो हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, है ना, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है तो लिटिल आ गया। अब क्या है टाइम थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन अभी भी कम है मेरे पास, अभी भी टाइम जो है मेरे पास कम ही है लेकिन लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं अ लिटिल काम में लूंगा, और फिर अ लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं द लिटिल काम में लूंगा। ठीक है, सेम वही है फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू। अब फ्यू अ फ्यू और द फ्यू में क्या होता है, नाउन जो होता है ना काउंटेबल होता है, लिटिल में है अनकाउंटेबल और यहाँ पे फ्यू के साथ है काउंटेबल। ठीक है, फिर वही बात हो गई है फ्यू में क्या होता है, चीजें हमारे पास कम है, देर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग, बहुत कम लोग, अब काउंट कर सकता हूं मैं लोगों को तो काउंट कर सकता हूं ना मैं, अब भले ही कम लोग हो तो भी मैं काउंट कर सकता हूं, तो कम लोग थे, थोड़ा सा ज्यादा होते तो अ फ्यू और उससे थोड़ा सा ज्यादा होते तो द फ्यू। समझ में आ रही है बात? अरे नफीसा ये बंद कर बेटा अपना माइक। देखो ईच एंड एवरी, अब ईच एंड एवरी कहां पे काम में आएगा, जब ग्रुप छोटा होता है तो ईच काम में आएंगे और ग्रुप अगर बड़ा है तो एवरी काम में आएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नन कहां पे काम में आएगा, नन देखो नन कहां पे काम में आएगा, नन का मतलब होता है नो वन, कोई भी नहीं, है ना, तो ना तो कोई इंसान की बात चल रही है और ना थिंग की बात कर चल रही है, तो हम नन काम में लेंगे। मतलब नन क्या होता है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई है क्या, तो तुम बोलोगे नन इज प्रेजेंट हियर, है ना, या नन वॉज प्रेजेंट देयर, नन मतलब कोई भी नहीं। तो जैसे नन वॉज स्लीपिंग इन द रूम, मतलब कोई भी इंसान रूम में नहीं सो रहा था। ठीक है, फिर है नॉट, नो और नॉट एनी। देखो नो क्या काम में आएगा, कोई भी नाउन से पहले, आई हैव नो वर्क दीज डेज, मेरे पास कोई काम नहीं है, नाउन से पहले काम में आता है, और नो, और नो एज एज एन एडजेक्टिव भी काम में आता है कि आई हैव नो वर्क दीज डेज, वर्क बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नो आ गया, लेकिन आई हैव नॉट एनी वर्क दीज डेज, मतलब अभी भी
बेटा हाँ, अरे क्या हो गया यार, मेरा वीडियो क्यों अटक रहा? ठीक है, अब देखो नो जो है ना वो नॉट के प्लेस पे आ सकता है, नॉट एनी के साथ, लेकिन नॉट एनी जो है वो नो के प्लेस पे नहीं आ सकता। तेजस्वी समझ में आई चीज? नो जो है वो नॉट एनी के प्लेस पे काम में आ सकता है, लेकिन नॉट एनी जो है वो नो की प्लेस पे काम में नहीं आएगा।